जय भोलेनाथ। साथियों साथियों, अभी पहुँचे हम लंच करने के लिए देवधाम रेस्टोरेंट। बेर बार और होटल भी है देवधाम। वैष्णो माता मंदिर से 1 किलोमीटर आगे वासिंग में है। और यहाँ पे सर्विस बहुत खास है क्योंकि हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा करके फैमिली वाले आते हैं और खाने के लिए आते हैं। बैठने के लिए खुला है, आप अंदर बैठ सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं या रेस्टोरेंट के अंदर बैठ सकते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए है, खुला देख सकते हैं, बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं। और सेल्फी पॉइंट बहुत है, बाहर आप सेल्फी ले सकते हैं। और खाना यहाँ पे जो है ढाबा से थोड़ा सा ही रेट चार्ज करते हैं, बाकी ढाबा का रेट और यहाँ का रेट सेम ही है। और बहुत अच्छा और सर्विस बहुत फास्ट देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा मैं रूबरू करना चाहूँगा और बाहर भी देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, रिवर ब्यास नदी। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब फेसबुक इंस्टा में सेम नाम से है, जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, आज संडे स्पेशल देवधाम के नाम। जय भोलेनाथ, संडे स्पेशल देवधाम के नाम। और आज जो है संडे स्पेशल जो है हमारे साथ है लक्की फैमिली भुंतर, यूट्यूब से ताल्लुकात रखते हैं और बहुत अच्छे कपल है। और आज जो है नगर में फैशन जो कल्चर वर्क कंपटीशन हुआ, उसमें जो क्लासिक में विनर रहे मैडम तुलसी जी। और साथ साथ में बहुत अच्छा सोशल वर्क है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं। और साथ में हमारी गुड़िया पीयू ठाकुर जी जो कि कल्चर वर्क उसमें जो जूनियर में है इसमें रनर अप रही। और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे आज खाना खाने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो रोटी चावल दाल मखनी और मिक्स वेज जी जी। कभी भी दिल करे देवधाम में आइए, देवधाम में सर्विस बहुत फास्ट है और खाना भी फ्रेश है। सर्विस भी फास्ट है तो खाना भी फास्ट। और भाई साहब जो बेटर है काफ़ी टाइम, भाई साहब का सर्विस बहुत फास्ट है जी। और जो सैन साहब है, सैन साहब जो बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, सैन साहब का ये देवधाम और सैन साहब का ही बिपाशा मार्केट। यहाँ पे ढाबा से 10-20 रुपए ही ज्यादा होता है रेट होता है, बाकी बिल्कुल सस्ता। और बैठने के लिए चाहे आप रेस्टोरेंट बैठो अंदर, चाहे बाहर बैठो, चाहे सेल्फी पॉइंट, स्पेशल सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब है, पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है या जम्मू है, या उसके अलावा बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे लिए मेहमान होते हैं। तो ये मेहमान साथी आप लोग आइए और यहाँ पे घूम सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, नदी के किनारा बिल्कुल भी मत जाइए, दूर ही फोटो खींचे। और कहीं आपने पहाड़ों में घूमना है तो गाइड एज ए गाइड आप हाइक करें, चाहे उनको आप पैकेज बना के आप उनके साथ घूम सकते हैं। जय भोलेनाथ। देख सकते हैं चारों तरफ बैठने के लिए है, ज्यादा करके यहाँ पे फैमिली आते हैं, दूर दूर से फैमिली आते हैं देवधाम में। देखिए बच्चों के लिए खेलने के लिए कूदने के लिए बहुत अच्छा है। और आइए आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं।